मैच अलॉट किया गया था, आईएएस में उनको प्रमोट किया गया था, लेकिन इसी के साथ अब ये प्रमोशन उनका रुका क्योंकि उन्होंने ही अपील की है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, नौकरशाही में अभूतपूर्व घटनाक्रम है, अमूमन लोग चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, लेकिन यहाँ पर क्यों एक पीसीएस ने आईएएस बनने से इनकार कर दिया? देखिए, जो लोग पीसीएस से सेवा में आते हैं उसके जीवन का सपना होता है कि वो एक दिन आईएएस बने जी, और जब आईएएस बने तो राकेश शर्मा ये सब करा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा विचित्र स्थिति है। बताया ये जा रहा है कि राकेश शर्मा ने फरवरी के आसपास इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, लेकिन भारत सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और उनसे ये कहा कि हम आपको राज्य कैडेट में वापस भेज रहे हैं। उनका आईएएस का जो अवार्ड था वो खत्म कर दिया और उनको स्टेट कैडेट में वापस भेजा है। अब पीसीएस में ये आके भारत सरकार ने कहा डीओपीटी ने कि आप पीसीएस में वापस जाइए और वहां पर राज्य की सेवा से अपना इस्तीफा दीजिए। अभी राकेश शर्मा से इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो क्यों पद छोड़ना चाहते हैं। वो चाहे तो वीआरएस भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी सेवा हो चुकी है वीआरएस लायक। तो अब ये देखना होगा कि जब डीओपीटी का ये आदेश आ गया है तो राकेश शर्मा क्या नौकरी छोड़ते हैं या वीआरएस लेते हैं या कोई वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे या कोई व्यवसाय करेंगे या वो नौकरी में बने रहेंगे, स्टेट के पीसीएस बने रहेंगे। ये सारी बातें उन पर निर्भर करेंगी। फिलहाल ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ी खबर है कि एक आईएएस ने वापस पीसीएस में जाने के लिए अपना पद छोड़ दिया। जी वीरेंद्र जी, देखिए, और सवाल इसीलिए बनता है कि क्यों छोड़ा आखिरकार आईएएस का पद। फिलहाल इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीओपीटी को राकेश वर्मा ने पत्र भेजा और इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।